अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज अगेन एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया है। वीक का थर्ड ट्रेडिंग सेशन दिखाई दे रहा है और यहां पर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स वेट एंड सी की पोजीशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि फ्लड के हवाले से जो तासुरात पाए जाते हैं या फिर फ्लड की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न, और साथ साथ इकोनॉमिक नंबर्स जो कि डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कल के दिन हमने देखा कि डॉलर माइनर सा जो है वो रुपी डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 1 रुपी एंड देयर अबाउट डेप्रिसिएशन देखी गई डॉलर के अगेंस्ट। इट मींस कि यहां पर डॉलर के हवाले से एक ट्रेंड जो देखा जा रहा है उसके ऊपर भी एक कॉशियस स्टैंस मार्केट के अंदर हमने आज विटनेस किया। स्टार्टिंग ऑफ द डे एक अच्छा एंथुजियाज्म देखा गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक डल बिहेवियर, ब्लैक लस्टर पोजिशन देखी गई। सो लुक एट द फर्स्ट सेगमेंट। डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,860.36 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 42,064.94, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे जैसा कि मैंने कहा लोअर वाज 41,703.95 एंड फाइनली क्लोजर 41,766.05, यानी कि 94.31 का डिक्लाइन देखा गया, काफी रेंज बाउंड एंड फ्लैट नोट। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 92.93 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। 94.26 मिलियन शेयर्स की जो एक कारोबार है वो आज के दिन थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे देखा गया। वैल्यू इज ड्राई 3.15 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। कल के दिन भी हमने हेस्कॉल को लाइमलाइट में देखा था 0.15 के डिक्लाइन के साथ 6.94 पे क्लोजर, 8.62 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। PRL सेकंड स्कॉट पे 0.02 का इजाफा देखा गया, 17.95 पे क्लोजर रहा, 6.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड साइनर्जी, एक कॉमन बात यह है कि आज के दिन रिफाइनरी स्क्रिप्ट जो है वो तीनों दिखाई दे रहे हैं। साइनर्जी 0.07 का इजाफा देखा गया, 5.19 पे क्लोजर रहा, 4.81 का कारोबार रहा। ऑब्वियसली रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ न्यूज आ रही है कि रिफाइनरी पॉलिसी आने वाली है जो 2 साल से काफ़ी पेंडिंग, काफ़ी अरसे से पेंडिंग दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी बातें की जा रही थी, वो आने वाली है, जिसका इंपैक्ट हमने आज डायरेक्टली शेयर प्राइस के ऊपर देखा। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, क्या ऑनगोइंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, सिनेरियो किस टाइप का है, साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा एक शेडो लेते हुए या इम्पैक्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, तो आज ऑब्वियसली ये भी हम एजेंडा में शामिल करेंगे। इनोवेशन रिक्वायर्ड है और टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है फर्दर ग्रोथ के लिए। पाकिस्तान में ग्रोथ रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल बहुत है। इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं कुछ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास चीज़ें तो होती हैं, बट टेक्निकली उसको कैसे देखते हैं, यानी कि एकेडमिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में जो गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ रिफाइनरी पॉलिसी, जैसा कि हमने शेयर प्राइस की आपको जब डिस्कशन दिखा रहे थे तो उस वक्त भी दिखाया, शेयर का इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिफाइनरी पॉलिसी के बाद जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। रिफाइनरी पॉलिसी का इम्पैक्ट है, 2 साल से ये पेंडिंग है पॉलिसी, क्यों नहीं आ रही थी ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब जब आ रही है तो उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे। फर्दर ये कि पाकिस्तान के लिए रिफाइनरी की पॉलिसी होना, न्यू रिफाइनरीज होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली अरब लाइट लेता है, तो उसमें जो रिफाइनरी का किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मद्रासवाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी साहब, आप फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं कार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, प्लीज मुझे परवेज साहब ये बताइए कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से 2 साल तक थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया गया, बताया गया कि पॉलिसी आएगी, अब आएगी, जब आएगी, मगर नहीं आई पॉलिसी। रिफाइनरी के शेयर्स हम देखते थे कि डेली बेसिस पर जब थर्सडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेशन होती कि फ्राइडे को पॉलिसी आएगी तो यहाँ पर शेयर प्राइस भी बढ़ जाते थे, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं आया। नीट ऑफ द आर भी थी, हमारे पास ऑप्शंस भी थे, कोविड के अंदर एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, क्यों काम नहीं हुआ सर, और अब हो रहा है तो इट्स गुड। देखिए, ये आ रही है या आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। देखिए, हमारा जो ज़्यादातर रिलायंस है ना, इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, और हम इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल भी मंगाते हैं, हम इम्पोर्टेड रिफाइंड ऑयल भी मंगवाते हैं,
अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट्स को मंगाने में जाहिर बात है कि वी पे द प्राइस, ओके, ठीक है, उसकी अपनी अपनी प्राइस होती है। अच्छा, हमारे पास अगर हमारी कैपेबिलिटीज़ हों पाकिस्तान में, जो कि एक लॉन्ग ओवरड्यू था, जो पॉलिसी आनी चाहिए थी पहले, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, दे वर जस्ट वेटिंग, यू नो, क्या हमारे पास इस तरह की पॉलिसी आई है तो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट। अच्छा, जो हमारे पास जो अभी जो स्टेक होल्डर्स जो लोकल भी थे ना, वो भी चाह रहे थे कि भाई एक्सपेंशन वो उस वक्त करें कि जब ये पॉलिसी फर्म पॉलिसी आ जाए। अब गवर्नमेंट का जाहिर बात है कि प्रायोरिटीज़ होती हैं, दूसरी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, गवर्नमेंट के पास दूसरे काम भी होते हैं, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, उनके पास दूसरे काम भी होते हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल में उन्होंने डिले किया होगा। और वैसे भी पाकिस्तान में तो आप नहीं समझते, पॉलिटिसाइज भी हो गया था, 2 साल पहले की बात है, बातें तो बहुत की जाती थी, काम नहीं होते थे। वो देखें, जो जो पहले के जो टाइम पॉलिटिकल डिबेट, नहीं, जो पहले, जो पहले, हाँ, मैं एक्चुअल इसको कहूँगा कि जो 3-3.5 साल गुजरे ना, तो उसके अंदर कोई ऐसा फिजिकल कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया कि कोई इस तरह की फॉर्म पॉलिसी नहीं बनी कि जिसके ऊपर हम कह सके कि हाँ भाई वो ये काम हुआ था उस दौर में ना। अब जाहिर बात है कि हर बंदा अपनी प्रायोरिटी देखता है, वो गवर्नमेंट जो पहले थी उनकी प्रायोरिटी कुछ और होगी, या उन्होंने इसको बाईपास करके कुछ और चीज़ कर रहे होंगे, या उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या ड्यू डिलीजेंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से लेट हो गए। और कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, अब आ गई है तो लेट्स से कि भाई ये चीज़ हमारे मुल्क के लिए कितना फ़ायदा दे सकती है, हमारी स्टॉक मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्या नई इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या हमारे लोकल इन्वेस्टर इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं उठा सकेंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को उससे कितना फ़ायदा होगा कि वी कैन डू रिफाइनरी हियर, यू नो, राइट। राशिद सिद्दीकी साहब, प्लीज़ उसमें बताइएगा, एक इरिटेटिंगली लॉन्ग डिले, ये वर्ड भी यूज़ किया गया है तकरीबन, अगर आपने आर्टिकल्स देखे हों आज के, रिफाइनरी पॉलिसी को डिले करना, फिर अब जब न्यू गवर्नमेंट आई है उस पर क्रिटिक्स करना, अब ये भी काम अगर इन्हीं को करना है तो क्रिटिक्स किस बात का? देखिए, क्रिटिक्स तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिक्स करना नॉट अ गुड थिंग, और जो भी गवर्नमेंट आए उसको बिल्कुल ओपन हैंड के साथ उसको, मतलब अगर आप हुकूमत करने देंगे तो उसका फोकस हुकूमत पर होगा, उसका फोकस आपकी मार्केट के ऊपर होगा, उसका फोकस जो है पाकिस्तान के मुस्तकिम होने पर होगा। लेकिन जब कोई भी हुकूमत आएगी और उसके आने के बाद से, एक दिन के बाद से, उस हुकूमत के ऊपर एक ऐसे इश्यू शुरू हो जाएंगे कि शायद ये हुकूमत कल चले जाएगी, शायद हुकूमत परसों चले जाएगी, अब मौजूदा हुकूमत आएगी तो जिस दिन चाहिए तो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, यार क्या ये 2023 तक चलेगी, ये 2022 तक चलेगी, ये सवाल क्यों उठते हैं, इसको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि हुकूमत किसी की भी आ जाए, और जब हम लोगों को ब्लेमिंग गेम के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और जब हम लोगों को एक 5 साल सही तरह नहीं उनको हुकूमत करने देंगे, तो अभी क्रिकेट का ताज़ा क्रिकेट गुजरी जिस तरह पाकिस्तान ने मैच जीता है माशाल्लाह से, तो उसके अंदर अगर आप फर्क करेंगे, phenomenal match, no doubt. अब अगर मैं आपको क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क को क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। तो क्रिकेट के अंदर अब आप ये देख लें कि अगर आपने 2 ओपनर्स को भेज दिया जी, और आप हर उस ओपनर को हर 3 बॉल के बाद बोले कि नहीं देखो, अगर तुम्हें चौका नहीं मारा तो मैं वापस बुला लूंगा, अगर तुमने इस ओवर में 20 रन नहीं बनाए तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, अगर तुमने इस मैच में 40 रन नहीं बनाया तो मैं अगले महीने मैच से मैं तुमको आउट कर दूंगा, तो वो बंदा हमेशा प्रेशर में रहेगा और कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। राइट। अच्छा, थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से भी बताइए, तो हुई रिफाइनरी की बात, सिर्फ स्पेसिफिक इकोनॉमी किस डगर पे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा फ्लड भी आ गया, चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, अब आज की मार्केट में अगर आप देखें तो अगेन फ्लड की ही सूरत हाल, यहाँ पे फ्लड मुतासरीन कितने ज़्यादा हैं और उन सैलाब मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन, बहुत सारे काम हैं, क्रॉप्स तबाह हो गई जो बिल्कुल खड़ी हुई थी, तैयार थी, फूड की इनसिक्योरिटी, हमारे पास बहुत सारे इशूज़ नए खड़े हो जाएंगे जो कि अभी सिर्फ यू नो पाइपलाइन में, जिनका भी आइडिया ही नहीं है कि कितने इश्यूज हैं। देखिए, आपको इश्यूज बहुत ज़्यादा इश्यूज इसलिए नहीं होंगे कि बड़े अफसोस की बात में ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक 22 करोड़ की आवाम होने के बाद, और पाकिस्तान के अंदर ठंडा पानी गर्म पानी होने के बाद, पाकिस्तान के अंदर दरियाओं का एक जाल बिछा होने के बावजूद भी आप एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, आप गंदम इम्पोर्ट करते हैं, आप दाल चना और सफेद चना इम्पोर्ट करते हैं। सर, ये पहले तो नहीं था, ये अब ज्यादा हो गया, आप ये नहीं देख रहे इन 5 सालों के अंदर कुछ ज्यादा एक सिनेरियो बिल्डअप हो गया, चलती चले आ रही है, तो ये तो चीजें, क्योंकि हमारा इस तरह इसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर आप उसको बिल्कुल
बहुत अच्छे और बिल्कुल समझ लें कि न्यूट्रल होकर सोचें तो जितना हमारा नुकसान हुआ है हमको उससे बहुत ज़्यादा एक बाहर से आ गई है। और देखें पहले भी हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हम अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आप बता रही ना, इन चीज़ों का पाकिस्तान की इकनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान की इकनॉमी पर जो सबसे बड़ा इम्पेक्ट हो रहा है ना, वो आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि आपकी रिफाइनरी पॉलिसी है। उस रिफाइनरी पॉलिसी के तहत आपको अपने पाकिस्तान की बेताशा पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। मिसाल तौर के मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें आपका जो डॉलर का जो डेफिसिट जितना बढ़ता जा रहा है और डॉलर जितनी तेजी से आपको ऊपर जाता जा रहा है और जितनी तेजी से पाकिस्तान का जो रुपया है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो उससे आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एतमाद है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और वो सारे लोकल्स के जो पैसे वो बाहर इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उन पैसों को भी रोकना होगा, ठीक है। फिर आपको ये देखना होगा कि देखें अभी रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम उसको कहते नहीं है रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम ऑफिस देर में पहुंच रहे हैं। नहीं, सिर्फ वो प्रॉब्लम ही है, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से आपके पेट्रोल के इम्पोर्ट के बिल्स वो भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, आसमान तक जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो सफर आपने तय करना था 10 मिनट में, आपके रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से और बारिश में जो आपके रोड खराब हो गए उनकी वजह से वो सफर आपको 25 से 30 मिनट में करना पड़ रहा है। तो ये समझ लें कि आपका अगर आपको 10 मिनट वाला सफर आप 30 मिनट में कर रहे हैं तो आपकी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाती है। हाँ। इंपोर्ट करके जैसे आप अपने डॉलर के डेफिसिट को इतना खतरनाक हद तक बढ़ा के वो कर रहे हैं, तो वहां पर हमको सोचना होगा कि हम किस तरह से रोडों के नेटवर्क के ऊपर काम करें कि वो टाइम जो है वो 10 मिनट के बजाय 4 मिनट का हो जाए। पूरी दुनिया में जो रोडों का नेटवर्क बिछाते हैं ना, उनका मेन मकसद यही होता है कि जी अगर रोडों के नेटवर्क होंगे और जब आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, जब आपका इस, तो उससे आपके मंथली इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो एक इंपैक्ट आता है। दुनिया में काम होता है कि अगर ट्रेड जोन के अंदर स्पेशल और जो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं उनके ऊपर कि नहीं भाई इनको जो रोड के नेटवर्क दिए जाए वो बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे दिए जाए जहाँ पे उनको कहीं भी ब्लॉकेज ना हो, जहाँ पे उनके ट्रैफिक जैम ना हो, जहाँ आपके ऑफिस बने वहाँ पे आपकी ट्रैफिक जैम ना हो, क्योंकि जब उन जगहों पे ट्रैफिक जैम नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके जो इम्पोर्ट पेट्रोल होगा वो कम से कम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो फिर आपकी इम्पोर्ट उतनी कम होगी तो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो है ना वो वहाँ से भी बैलेंस हो जाएगा। हम हमेशा एक ही बात पर रोते हैं कि नहीं जी हमारे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो हमारे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो डिक्लाइन हो रही तो हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो हम अपनी इम्पोर्ट के बारे में तो सोचे ना कि हम वो क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हम इम्पोर्ट को क्यों बढ़ा रहे हैं, हम अपने पेट्रोल की इम्पोर्ट को डिक्लाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें जितनी दुनिया से तरक्की कर रही है वो अल्लाह के कानून पे चल रही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। उनका कारोबार सुबह 8 बजे खुल जाते हैं, उनका कारोबार 8 बजे खुल जाते हैं और 6 बजे उनके कारोबार बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम 12 बजे 1 बजे सो के उठते हैं और रात को 10 बजे तक हम अपना कारोबार चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी खतरनाक है और इस वक्त क्योंकि हमारी इकोनॉमी है वो इंतहाई शदीद दबाव के अंदर, हम सबको मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा, एज अ नेशन काम करना पड़ेगा, इससे बगैर कोई जो है वो रास्ता नहीं है। हमको डेडलाइट 7 में जाना पड़ेगा जी। और दूसरा हमको एक काम और करना पड़ेगा कि इंग्लैंड के अंदर इस वक्त प्लानिंग हो रही है कि हफ्ते में 4 दिन काम करने की और 3 दिन ऑफ करने की, तो हमको भी कम से कम हम 4 दिन नहीं कर सकते, तो हमको चाहिए कि हम डेली बेसिस के ऊपर अपना 2 घंटा बढ़ा दें इंडस्ट्रीज का और हफ्ते और इतवार की हम छुट्टी कर दें और अपने इम्पोर्ट के, क्योंकि जितनी तेजी से देखें आपका डॉलर, मैं बार बार आपको डॉलर को इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी तेजी से आपका रुपये डिवेल्यू होता रहेगा, क्योंकि ये एक रास्ता है कंट्रोल करने का, चीजें बढ़ते जाएंगे और आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा, तो आपके पर इसके पर भी आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए कि आप 2 दिन का कर्फ्यू लगा दें कि जी 5 दिन बिजनेस में काम होगा, ये ना हो कि फिर सब तफरी करने के लिए निकल आए। परवेज साहब से, 2 दिन ना मॉल खुलेंगे ना कारोबार खुलेगा ना मार्केट खुलेगी ना इंडस्ट्री खुलेगी। परवेज साहब प्लीज इस पे कमेंट करें कि सूरत हाल को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो फौरी तौर पर हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे फौरी तौर पर कंट्रोल आ जाएगा। आप समझते हैं कि ये एज अ नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और क्या हम इसको कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे? मैं राशिद साहब की एक बात पे को सेकंड करता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ, 2 मिनट का है जी जी। और ये बिल्कुल रेलिवेंट है जो उन्होंने बात की और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। इसमें यह है कि हमने पाकिस्तान में कितने देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर आए, कितने FBR के चेयरमैन आए और कितने स्टेट बैंक के गवर्नर आए,
मुझे ये वाली बात जो राशिद साहब कह रहे हैं ना, मुझे एक ट्रॉला का जो ड्राइवर होता है ना, जो 45 कंटेनर लेके आता है, उस ड्राइवर ने मुझे बात की कि सर अगर कराची की रोडें सही हो जाए ना तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट डबल हो सकता है। एग्जैक्टली क्यों? ये तो कहता है कि लाहौर से सुपर हाईवे आने में जितना हमें टाइम लगता है ना, सुपर हाईवे से वेस्ट वॉक जाने में हमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है और वो सारा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। आपका इंटरनेशनल वाटर जो है, जो गेटवे है कराची, उसको आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो जब आपका यहाँ सामान आता है तो यहाँ ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी? और जो ट्रैवल टाइम जो होता है, जो राशिद साहब कह रहे हैं कि 10 मिनट में कर सकते हैं, आप आधे घंटे में करते हैं, तो 3 times वी आर वेस्टिंग अवर। और ये तो हम बात कर रहे हैं कि 3 times वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी। ये तो हम बात करें नॉर्मल डेज के, अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो वो 3 hours भी तीन घंटे भाई, जहाँ राशिद साहब कह रहे हैं हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है और राशिद साहब उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, वहाँ हमें रेनी डेज में जब हम जाम सादिक ब्रिज पे चढ़ते हैं तो हमें 1.5 घंटा लगता है जाने में और 1.5 घंटा लगता है आने में, और उस दौरान 5 मिनट की भी रोड नहीं है, 15 मिनट की भी रोड नहीं है, और उस दौरान कितनी मगिंग होती है, कितने लोग लुट चुके हैं, कितना गाड़ियों का डैमेज होता है, कितनी गाड़ियों के टायर डैमेज होते हैं, और वो सारे टायर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। आप ये तो सोचें कि हमारा इम्पोर्ट का जो बिल है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो फ्यूल की एनर्जी जो है ना, वी आर वेस्टिंग दैट एनर्जी। हम हमारे जो गाड़ी के ऑटो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो 3 times 4 times हो जाती है, तो ये बिल्कुल सर, मैं इंस्टेंटली अगर बात की जाए तो क्या सजेस्टिव मेजर है? जैसे कि राशिद साहब ने कहा कि सुबह 6 बजे मार्केट्स खुलें और शाम 6 बजे तक रहें, डे लाइट पे हम जितना काम कर सकें, जितना एनर्जी सेव कर सकें उतना अच्छा है। देखिए एनर्जी तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने इनकी सारी बातों को मैं सेकंड करता हूँ कि ये सारी जो इन्होंने सजेशन दी है ना, ये बिल्कुल सही है। दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान को दुनिया से अलग तो नहीं है ना। हमने क्या कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान जो दुनिया कर रही है ना वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान बिल्कुल अनोखा मुल्क है, पाकिस्तान जो करेगा ना वो बिल्कुल अपने स्टाइल से करेगा। अच्छा, ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली भी अपने स्टाइल से कैसे करेगा? देखिए कराची में तो एटलीस्ट ये अडॉप्ट करने की, हम दुनिया से एजुकेशन में हम कहते हैं कि यार दुनिया जैसे करती है ना, जो वहाँ का सिलेबस है यहाँ होना चाहिए, तो अगर दुनिया का जो सिलेबस हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो यार ये दुनिया में जो तौर तरीके हैं रहने के, कारोबारी तरीके हैं, वो भी तो सिलेबस में लाओ, वो भी तो अप्लाई करो ना। अगर हम ये दुनिया के तरीकों पर नहीं चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, ऑस्ट्रेलिया में आप 6 बजे जाएँ आपको मार्केटें सारी बंद मिलेंगी, आपको कहीं से जो है ना आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कि भाई कहते हैं ना कि बच्चों के पैंपर वो भी नहीं मिलेंगे 6 बजे के बाद। तो ये लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं, उनको पता होता है कि 6 बजे अगर मार्केट अच्छा, बंद होनी है। गवर्नमेंट काम कर रही होती है इस तरह के, अगर थोड़े से अनपॉपुलर डिसीजन जो कि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी लिए हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस ये, तो हम थोड़ा सा जस्ट साइड लाइन कर दें, अगर हम थोड़ा सा इस बात पे करें कि जैसे ये डिसीजन ले लिया जाता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि कोविड में लिया गया था, इसमें फिर प्राइवेट मीडिया उसका अपना किरदार होता है कि ये था, ये लिया था तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की वजह से ये मामलात हो गए, इतना ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि वो काम करना भी चाहे तो उसके आगे हर्डल्स लगा दिए जाते हैं। देखें क्रिटिसिज्म तो जो है ना हर चीज़ में क्रिटिसिज्म तो होता है, यहाँ तो आप अपने कोई आप अच्छा काम भी करने जाते हैं तो भी क्रिटिसिज्म होता है, और बुरा काम करें तो उसके ऊपर भी कोई कीड़े निकाल लेते हैं कि यार ये ऐसा क्यों है वैसा करते हैं, तो अरे तो भाई बात से देख कोई ना कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ जो मैंने अभी आपको दी, तो भाई हम जब दुनिया के सिलेबस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं तो दुनिया के जो तौर तरीके हैं उसको क्यों नहीं कर सकते? अगर दुनिया में ये सारी दुनिया कर रही है, पाकिस्तान अलग तो नहीं है ना, हमने पाकिस्तान को सिंगल आउट किया हुआ है, हम कहते हैं कि जो हमारा तरीका कार है ना 12 बजे उठ के हमने दुकानें खोलना है, अगर ये सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, मैं बिल्कुल 101% राशिद भाई जो है ना जिन्होंने कहा है ना, ये समझ लो कि मेरे दिल की आवाज है। वाह, राशिद साहब, परवेज साहब ने भी इस बात को सेकंड किया, ये तो एक मेजर हो गया जिसको जितना जल्दी एज अ कॉम हम अडॉप्ट कर लें उतना अच्छा है। और क्या समझते हैं सर, चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो और भी तो फर्दर बहुत चैलेंजेस हैं, उनको भी तो कूप अप करने की जरूरत है। चैलेंजेस तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया ना, वो है धरने की सियासत। जिस दिन से पाकिस्तान में धरने शुरू हुए ना उस दिन से पाकिस्तान का कारोबार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप लाइट नहीं आ रही, धरना कर दिया। मैं आपको छोटी बात दे रहा हूँ, आप एक पीटीवी सेंटर है और यहाँ पे आप अपने स्पीकर्स को यहाँ पे बुलाती हैं, और अगर यहाँ पे
12 बंदे यहाँ पे खड़े हो जाए कदमे लेके और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, तो आपके व्यूवर्स एक दफा आएंगे वो कहेंगे यार मैं तो आधा घंटा लेट हो गया, मैं तो प्रोग्राम भी अटेंड नहीं कर सका। दूसरा व्यूअर आ गया, दूसरा आपका स्पीकर आया कि यार मैं तो वहाँ पे गया धन्यवाद रोड बनता है, मैं तो पौन घंटा भी नहीं गया। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को बुलाएंगे ना तो लोग आपका आने से इनकार कर देंगे, वो कहेंगे नहीं जी आपका तो जो रास्ता है ना वहाँ पे इतने धरने इतनी सांसद है तो बिजनेस कैसे आएगा अगर ऐसा ही सूरत है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस दिन पहला धरना हो रहा था उस दिन मैं इस्लामाबाद में था, तो मैं 3 एम्बेसडर से एक ही दिन में मिला था, उनमें से एक एम्बेसडर जो है वो इनके ससुर भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर। चलिए आपने फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा कि सही से कोई ऐसा मसला नहीं, घर की बात है। नहीं नहीं मतलब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के माशाल्लाह से इनसे काफी है, तो ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के साथ इनके अल्टीमेट ताल्लुकात रहे, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर से मिला उसी दिन, मैं कनाडा के एम्बेसडर से मिला उसी दिन, और मैं फ्रांस के एम्बेसडर से मिला उसी दिन। तो उन तीनों ने एक लफ्ज कहा कि देखो यार ये इस्लामाबाद तुम्हारे मुल्क का कैपिटल है और यहाँ से तुम्हारे सारे मैसेज पूरी दुनिया में जाते हैं, और जब यहाँ पे इस टाइप के धरने होंगे सियासत होंगे तो तुम्हारे मुल्क में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब हमको जैसे अभी मैंने कहा ना आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है, मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया ना कि जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, जिससे हमारा फ्यूल हो रहा है, और परवेज भाई 100% सही कह रहे हैं कि जाम सादिक में लोग एक एक घंटा ऐसे फंसे कि बिल्कुल हिल नहीं, गाड़ी हिलती नहीं। आप समझते हैं जो इंडस्ट्रियल ज़ोन्स हैं उनको तो एटलीस्ट उनके लिए तो लेवरेज हो ही है। इंडस्ट्रियल ज़ोन को हमने बर्बाद कर रहा है, साइट एरिया में जाएं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे के आप वहाँ 4x4 लेके नहीं जा सकते। अब क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और जब आपके पास दुनिया की बेहतरीन कॉटन मौजूद है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन यार्न मौजूद है, आपके पास फूड आइटम के जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम ये सारे आइटम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड, एक खुशबूदार सॉइल हमारे पास मौजूद है जिसमें जो चीज उगाते हैं वो बड़ी अच्छी होती है। बायर को यहाँ पे आने के लिए, उस बायर को यहाँ पे आने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी जी जी। देखिए एक मैं जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, परवेज भाई जाते हैं बाहर घूमने के लिए ना, तो हमारी मेन वहाँ पे क्या होती है कि यार हम जाके जरा ओरिजिनल सैनिक देखेंगे, एक अच्छा मौसम देखेंगे, एक अच्छे जंगलात और पहाड़ देखेंगे ना, यही चीज है ना आपके अट्रैक्शन, ये अच्छे दरिया देखेंगे, ये आपका अट्रैक्शन है ना। ये वो तमाम चीजें पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन पहाड़ आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन जंगलात आपके पास है, आपके जो नॉर्दर्न एरियाज की ब्यूटी है ना आप यकीन मानो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए, अगर हमारे यहाँ रोडों का नेटवर्क सही हो जाए, अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला को बेहतर हो जाए और आप थोड़ी डिसिप्लिन कम बन जाए, हमारे पास जो टूरिज्म आएगा ना, तो देखे अभी अगर कोई स्विट्जरलैंड जाता है ना तो वो एक छोटे से इलाके के अंदर जाते हैं, वहीं पे घूम फिर के 2 घंटे का 3 घंटे का घूम फिर के वापस आता है, लेकिन हमारे पास जो टूरिज्म आएगा इतना पैसे खर्च करके मंजूदाड़ो के अंदर दुनिया के बेहतरीन खंडरात मिलेंगे, जो टूरिज्म के अट्रैक्शन है वो टैक्सले में जाएगा तो वहां पे उसको वो मिलेगा जो उनके अट्रैक्शन है, K2 के पहाड़ों पर जाएगा जो दुनिया के बेस्ट पहाड़ है, ठीक है ना, वो टूरिज्म के अट्रैक्शन है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया के अंदर चले हैं जो आपके झरने हैं, जो आप अगर नियाग्रा फॉल जाते हैं ना, नियाग्रा फॉल जैसी कितनी सैकड़ों साल वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि उन्होंने हमारे लिए टिकट लगा दिया, जी एक उन्होंने छोटी सी एक वो बना दी है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो $2, नीचे जाएंगे तो $2, वरना आप पैदल चले जाएं, और लोग दुनिया $2 दे रही होती है, और दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो लाखों डॉलर उससे कमा चुके होते हैं, क्या ख्याल है प्रजा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी बेतहाशा पिचेस मौजूद है जिनके ऊपर आज हम अपना काम करके देखें, हमारे पास अगर टूरिज्म आएगा ना तो हमारे पास दुनिया की बेहतरीन कॉटन भी है, हम दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर डेनिम हमारी जा रही है, दुनिया में टॉवल हमारे जा रहे हैं, राइट, ये तमाम आपके जो बेडशीट वगैरह हो गई, तमाम मार्क्स जितने भी बड़े ब्रांड है ना उनकी शर्टें यहाँ से जा रही हैं, तमाम बड़े बड़े ब्रांड के पर्स यहाँ से बन के जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते यहाँ से बन के जा रहे हैं। तो अगर हमारे वो अपना नाम बस लगा के और आगे वो करते हैं, लेकिन बस हमको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, और दूसरी क्या है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज, कोई भी गवर्नमेंट 100% काम अच्छे नहीं करती और कोई भी गवर्नमेंट 100% काम बुरे भी नहीं करती। अगर हमारा एक ऐसा थिंक टैंक बन जाए जो हर गवर्नमेंट के खरामियों को इग्नोर करता चला है और उनकी अच्छाई, सर उसी को कहते हैं फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसके लिए कितनी काविशें की जाती हैं, बट चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, इसमें उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखो, अगर इकोनॉमी जो है ना वो डिस्टर्ब होनी चाहिए। आप देखें ना, ये राशिद भाई आप बताएं कि अगर हम हर साल हमारा बजट चलता है, हर साल बजट में इतनी तब्दीली आ जाती है ना कि
कि आप लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। एक इंडस्ट्री अगर आज आप लगाने का इरादा रखते हैं और उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, तो पता चलता है कि अगले बजट में उन्होंने उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स लगा दिया, अगले बजट में उन्होंने इतनी तब्दीलियां कर दी कि वो जो इंडस्ट्री है ना वायबल ही नहीं होगी। तो आपका फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? आप किस कंट्री को बोलेंगे कि भाई यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करो? वो तो, और वैसे भी आपका डॉलर का जिस तरह से हाल है, आपकी करेंसी का जो हाल है, वो आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता चला कि उन्होंने कमाया तो कुछ नहीं, अभी तो उन्होंने पैसे यहाँ ट्रांसफर ही किए थे तो तकरीबन 40% तो उनका पैसा डिप्रिशिएट हो गया, अभी इंडस्ट्री लगी नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि भाई जैसे पहले बनता था, हमारे जो हमने कोरियन इकोनॉमी हमने बनाई है, हमारे जो यहाँ से इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कोरिया में जाके, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जाके कोरियन, साउथ कोरियन की इकोनॉमी, तो यही था कि हमारे 5 years 10 years के प्लान होते थे। आज आप देखें कि हमारी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आज ये फ्लड आया है। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, क्योंकि जिस वक्त हमें डैम बनाने थे हमने उस वक्त डैम नहीं बनाए। ये जो दालों की बात करें ना, मैंने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया से $250 मिलियन की तो हम सिर्फ है ना चना मंगाते हैं। भाई यार आप 250, आपके पास पैसे है नहीं, आप चना बाहर से मंगा रहे हैं, हमारे पास जमीनों में चना नहीं उग सकता है। तो यार अच्छा उग सकता है बल्कि, अरे इससे अच्छा तो आप अपने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने जो करनी थी वो नहीं करी, हमने उसको प्रायोरिटी नहीं समझा, हमने लड़ाई झगड़े के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा किया। अगर पॉलिटिकल पार्टियां अगर आपस में लड़ती रहेंगी तो आप सोचें कि हमारी जो यूथ है उसका क्या होगा, हमारी आगे की जनरेशन क्या होगा, हमारे लोगों के अंदर भी रेजिस्टेंस खत्म हो गया। आप रोडों पे भी जाएं तो रोडों पे भी लोग झगड़ा करने के लिए फौरन आ जाते हैं। वो क्या है कि वो इन्फ्लुएंस तो लेते हैं, वो सारा दिन जो है टीवी पे इन्फ्लुएंस रहते हैं। बच्चों में भी रेजिस्टेंस खत्म हो गया। हम उनको डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे, हम उनको क्या तमीज दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं और आने वाले यूथ को क्या सिखा रहे हैं? डिसिप्लिन लीडर से आता है। अब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो जितने बड़े लीडर हैं, जिनको आप 90% टाइम आप उसको देती हैं टीवी पे प्राइम टाइम का, अगर वो प्राइम टाइम में 90% ऑफ द टाइम भी वो लड़ते रहेंगे तो आपके पास इन्फ्लुएंस क्या जाएगा आपकी यूथ पे? यही जाएगा ना कि भाई जो आपके लीडर हैं 90% प्राइम टाइम शो पे अब ये दिखा रही है। मैं कहता हूं कि ये सारे टीवी चैनल पे ये सारी डिबेट अगर बंद हो जाए ना तो उससे भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। ये क्या कि एक दूसरे की कंपटीशन में, जो प्राइम टाइम की कंपटीशन में जो है ना, ये मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो रहा है और लोगों के दिमाग में जो वसवसे हो रहे हैं, कल्चर है ना ये प्रोटेस्ट, अरे ये बंद कर देना चाहिए, ये जो ये टीवी पे जो डिबेट शोज होते हैं ना, ये बंद करना है। इनको चाहे कि जो भी करें तो इनकी असेंबलियों में जाके करें। देयर इज ए प्लेटफॉर्म। वो असेंबली किस लिए है? अगर आपके पास असेंबली का इतना बड़ा हॉल पड़ा हुआ है और आप उसको ना यूटिलाइज करते हुए आप टीवी पे आके वो काम करते हैं, बातें आप जो है वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अगर असेंबली के हॉल है, सिंध असेंबली है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, आप जाओ, आप इलेक्टेड मेंबर हो, आप जाके वहां करो। आप ये प्राइम टाइम आप बेचें उसके लिए, कोई एडवर्टीजमेंट के लिए, कोई अच्छे काम के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए, कोई आप उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग की चीजें बताए हैं, यूथ को बताएं कि दुनिया में कैसे तरक्की हो रही है। आपने जैसे राशिद भाई ने बताया कि अभी हमें ये करना चाहिए, टाइम टेबल हमारे बजाय पीटीवी की बात अलग है और प्राइवेट मीडिया की बात अलग है। प्राइवेट मीडिया में कंटेंट नहीं, उन्हें पैसे कमाने से मकसद, तो इसी वजह से ये तो बात है ना कि पैसे कमाने के चक्कर में जाएंगे तो पूरी आपकी नेशन तबाह हो रही है। ये आपकी नेशन तबाही के कॉर्नर पे खड़ी हुई है। आज जिस तरीके से हमारे यहाँ फ्लड आया ना, ये अल्लाह मियाँ ने आपको दिखाया हुआ है कि भाई ये आफत आई है, सुधर जाओ। ये पाकिस्तान के ऊपर आफत आई हुई है, अल्लाह ने दिखाई हुई है कि सुधर जाओ। हमने नहीं करा 50 सालों में 60 सालों में, हमने कोई चीज़ के प्रायोरिटी नहीं दी, हमने लड़ाई झगड़े में दी, प्राइम टाइम को वेस्ट कर दिया, असेंबली खालियां पड़ी हुई हैं, टीवी स्टेशन और टीवी पे रात को जो है ना वो डिबेट्स हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये सारा नेगेटिव जा रहा है। हाँ असेंबली में होती रहे बातें, बच्चों के ऊपर तो नहीं आता ना। ये टीवी जब भी खोल रहे हैं माँ बाप भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, ये क्या अपने दुनिया कहाँ हम लोग लेके जा रहे हैं। और माँ बाप भी बच्चों को दिखा रहे हैं, साथ साथ न्यूज ही दिखा रहे हैं। राशिद साहब, ये एक पूरा हमने, आप एक्सपीरियंस्ड, यू गाइज आर एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन और आपसे ही हमने ये सीखा, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को भी यही अपनी बातें बताते हैं कि आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पर अमल कर लें। आप समझते हैं कि यूथ की एक डिसिप्लिन, एक तरबियत करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि जिस कल्चर को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा एज अ मुस्लिम कंट्री कभी कल्चर नहीं था,
हम तो जैसे शोर शराबे की सियासत में भी जो है वो बिलीव नहीं रखते थे। आपको याद होगा पीटीवी का जब खबरनामा आता था तो बड़ी एक अच्छा सा एक, उस वक्त तक तो बच्चे भी सो जाया करते थे, बहुत एक अच्छा माहौल था। लेकिन अब वो माहौल कहाँ जा रहा है, इस पर भी एक सवालिया निशान है। प्लीज़ मुझे FATF के हवाले से बताएं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, टीम भी यहाँ पे सर्वे करके चली गई है 29th August to 2 September। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, एक अगर ये गुड न्यूज़ आ जाती है व्हाइट लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वुड बी अ गेम चेंजर के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड न्यूज़ होगी? देखें बिल्कुल 100% पाकिस्तान के इमेज के लिहाज से कम बहुत गुड न्यूज़ होगी। पाकिस्तान के इमेज के लिहाज से तो बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। और डेफिनेटली उससे जो एक आपके बहुत सारे प्रेशर आपके पड़ते हैं वो सारे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए FATF भी, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अपने मफाद के अंदर FATF के ऊपर जितनी भी उनकी शराइत उनको पूरा करना है पाकिस्तान के लिए भी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क में दुनिया के जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती ना तो वहाँ पर आपके पास फॉरन इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आता। अगर एक बंदा, और मैं तो कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जो जिन्होंने यहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करी थी। एक छोटी सी मिसाल, एक अल्टल के नाम की, अल्टल एक यहाँ पे आया था जो दुनिया के 11 अमीर तरीन लोगों में से उसका शुमार होता था, और उसने यहाँ पे आने के बाद एक केसी खोला, फिर उसके बाद वो एक हैरिस ब्रेड के नाम से लेके आया, फिर एक वो अपना चिकन का और फीड का भी लेके आया। तो वो क्योंकि हमारे यहाँ इकनॉमी जो थी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, तो उसने जिन शेयर्स को यहाँ पे रखा, जब वो यहाँ पे डॉलर भेजता था तो वो क्या करते थे कि वो डॉलर को बाहर निकालते थे और डॉलर को ब्लैक मार्केट में कैश करते थे। जो पैसा ऑफिशियल होता था वो वहाँ पे डालते थे, जो अनऑफिशियल पैसा होता था वो अपने जेब में। और नतीजा क्या हो गया कि वो बेचारा 2-4-5 साल के बाद उसने जितने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें से 75% यहाँ पे गंवाने के बाद और कान पकड़ के उठक बैठक करने के बाद वो वापस चला गया। अब जब वापस जाएगा और जब वो 10 लोगों के, क्योंकि देखिए बिजनेस तो वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ता है और लोगों की जो रिपोर्टेशन होती है वो भी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है, तो जब वो 10 लोगों में बैठेगा और लोग उसको कहेंगे यार तुमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, हम भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि नहीं यार कान पकड़ो, भोली से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो सर आप समझते हैं, चलिए डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं, काफी काम किया है, अभी फर्दर भी हो रहा है। देखिए हमारे सारे काम नहीं हो सकते जब तक नहीं हो सकते, जब तक मैंने आपको कहा है कि जब तक एक नेशनल पॉलिसी ना बन जाए कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चेंजिंग होगी ना वो उस इकोनॉमी पॉलिसी का हिस्सा होगी, कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट चले जाए, उन पॉलिसी को आप नहीं छेड़ सकते। कोई गवर्नमेंट आ रही है उसमें मजीद उसको जो स्पाइसेस ऐड कर दे मगर उसे बंद ना करे पॉलिसी। मैं बताऊँ आपके मुल्क की सियासत के अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल ना हो, इसके भी चांसेस जो है ना वो इतने से हैं, उनका भी अमल दखल होता है ना। लेकिन जब अपने आपके अपने एज अ नेशन आप सही हो तो सारी चीज सही हो जाती है। तो जब आपके अपनी पॉलिसीज के अंदर जब गैप होगा ना तो उस गैप को कौन भरेगा, वही भरेगा जिसको जिसको अपना मफाद होगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। तो जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जब आपकी नेशनल पॉलिसी बन जाएगी और जब उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा तो ये डॉलर क्या इतना सत्यानाश पाकिस्तानी रुपीज का कभी भी नहीं होगा। और जब वो नेशनल पॉलिसी बनेगी और जब आप नेशनल पॉलिसी बनाने के बाद अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को नहीं, एसोसिएशन के चेयरमैनों को नहीं, डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को और डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर है, कि अगर परवेज भाई ने इंडस्ट्री लगाई हुई है और माशाल्लाह से इनका अपना एक बड़ा नाम है, इनके मकाम है, तो इनको डायरेक्ट उस थिंक टैंक का हिस्सा बनाया जाए जो स्टेक होल्डर्स हो, साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी हो। क्योंकि देखिए जहाँ पे एसोसिएशन आती है ना वहाँ पे लोगों के मफाद आ जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस कोई ताल्लुक भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो एक बंदे के तहत बहुत सारे उनका मसला, मतलब जैसा कि थोड़ा पास्ट में हमने देखा है अभी डायरेक्ट पॉलिसी जो बनी थी, डायरेक्ट स्टेक होल्डर होने चाहिए, उन डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स का आपके पूरा थिंक टैंक। अच्छा इसी वजह से ये जो रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है तो इसमें थोड़ा सा डिले इस वजह से भी है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को ही लिया जा रहा है ऑन बोर्ड और फिर उसके बाद एक जामे पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है। वी आर होपिंग कि आने वाले दिन बेहतर हों और कोई ऐसी पॉलिसी दी जाए जिससे मुल्क का फायदा हो। परवेज साहब भी मौजूद हैं, राशिद साहब भी फर्दर गुफ्तगू करते हैं। परवेज साहब पॉलिसी का जिक्र किया है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए पॉलिसी के अंदर कुछ ऐड कर दे अच्छे पॉइंट्स मगर उस पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। मैं थोड़ा FATF पे बताऊंगा। देखें FATF को हमें यहाँ परसू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारी जो इंटरनेशनल पोजीशन जो है ना वो क्लियर करनी है। हमें कहना है कि पाकिस्तान उस जो पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा, हमारी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, हमने हमारे बैंकिंग के सारे तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए हैं,
हमारी इकोनॉमी है अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो एवरीथिंग हमारे पास, जो कस्टम में भी जो हमारे जो रूल्स वगैरह इम्प्रूव हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हो गए। तो देखें ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी भी अप्रूव होगी और आपका दुनिया का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा। मगर इसके साथ ये आपकी वाली बात आती है ना कि अगर कोई पॉलिसी अगर बनानी है तो आपके पास इतने सारे लोग हैं तो हम उसके ऊपर डिले क्यों कर रहे हैं। देखें 2 साल का डिले अगर होता है ना तो वो हमारी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है, हमने कितना टाइम लूज कर दिया। 2 साल के डिले की बात कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट पॉलिसी दी गई, राशिद साहब हमारे प्रोग्राम में बारहा कहते रहे कि कोई भी एक्सपोर्ट पॉलिसी सिर्फ कुछ सेक्टर्स को ना दी जाए, तमाम एक्सपोर्टर्स को दी जाए। एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं, 5 सेक्टर की पॉलिसी है। टेक्सटाइल वालों को कहते हैं कि भाई जो आपको हमसे इंसेंटिव चाहिए ना, उनको एक तो लोकल रॉ मटेरियल मिलता है और फिर टेक्सटाइल वालों को जितने भी इंसेंटिव होते हैं ना, DTRE, ड्यूटी ड्रॉबैक, पता नहीं क्या क्या उनको हमने लवाजमा दिए होते हैं, बाकी जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं ना उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। तो हमने क्या करा है कि हमारे सेक्टर जो है ना हमने बहुत ही क्लोज कर दिए हैं, हमने हमारी जो एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट लाइन है ना, जो हमारी जो बास्केट है ना हमारी जो एक्सपोर्ट की, क्यों हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्यों नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, क्यों दूसरी नई प्रोडक्ट्स और नई मार्केट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमने अपनी बास्केट जो है ना बहुत ही लिमिटेड रखी है। हमने कहा है कि भाई ये हमारी एक्सपोर्ट जो है ना 70-80% जो है ना हमारी टेक्सटाइल की है, बाकी 20% जो बेचारे स्पोर्ट्स के कर लेते हैं और IT के कर लेते हैं। और IT का भी क्या है, अगर आप इंडिया की मिसाल लें, चाइना की मिसाल लें, तो उसका हम लोग 1-2% भी नहीं करते, विच इज सो बैड। ठीक है ना, तो हमें उसके ऊपर बहुत काम करना है। और इसके ऊपर वो है कि इसके ऊपर कोई हमें इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं बनानी है, ये आपको जो आपकी यूथ का ब्रेन है ना उसको यूज करके और हमें दुनिया के सामने जो है ना वो चीज़ को प्रेजेंट करना है, हमारे स्किल्स को, और वो स्किल्स को प्रेजेंट करने के बाद आपको वो बिजनेस मिलेगा। देखें ना, इंडस्ट्री बनाने के लिए अगर मुझे और राशिद साहब को कहें तो हमें इंडस्ट्री बनाने के लिए 5 साल लगेंगे, हमें ज़मीन भी लेनी पड़ेगी, फिर इसके बाद बिल्डिंग प्लान्स बनाएंगे, गवर्नमेंट की 10 दफ़ा पॉलिसी चेंज होगी, हमें मशीनरी मंगानी पड़ेगी और हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे रॉ मटेरियल। मगर ये जो IT का जो है ना, ये IT का तो ऐसा है कि आपकी यूथ जो है ना वो अवेलेबल है और आपको बस दुनिया के सामने आपकी स्किल को प्रेजेंट करना है, देयर इज़ नो बिल्डिंग टू बिल्ड। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हर चीज़ की प्रायोरिटी देनी चाहिए, इतने सारे इंस्टीट्यूट खोल देने चाहिए, इतना इंसेंटिव उन इंस्टीट्यूट को देना चाहिए कि जो अगर आपका IT जो रास्ता ग्रोथ की तरफ जा रहा हो उस रास्ते को जो है वो इख्तियार करना चाहिए। मल्टीपल है, हम तो कारोबारी हैं, हमारे तो दिन में रात में हम लोग बस सोचते ही रहते हैं, ख्वाब भी देखते रहते हैं, मगर जब वो सुबह उठते हैं आँख खुलती है ना वो ख्वाब भी टूट जाता है, क्योंकि जब हम दुनिया पाकिस्तान को देखते हैं, कराची की रोडों को देखते हैं और जब ये डिबेट्स देखते हैं रात को, तो इतना आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये जो डिबेट रात को सुनी थी अगर ये एक्चुअल हो जाता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है कि नहीं है। राशिद साहब प्लीज इस पर कमेंट करें कि एक तो लोकल इन्वेस्टर्स इतना शाय हो रहे हैं तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनके लिए हम ऑब्वियसली जो हमारी नीड है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, वो कैसे आएगा जब एक प्रोटेस्ट, एक धरना, एक बदतमीजी, एक अफरा तफरी की सियासत होगी। देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन कब आएगा, जब आपके फॉरनर्स का आपके ऊपर एतमाद बहाल होगा। ये तो मैं कहता हूँ कि हमारे परवेज भाई को आफरीन है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेस लेके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो एक इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं और जिन्होंने लगाए और माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए एक आइकॉन इन्होंने बनाया। ठीक है ना, वरना आज की तारीख में अगर आप किसी भी फॉरनर्स को पाकिस्तान लाना चाहेंगे ना, यकीन माने कि वो कान पकड़े बोले नहीं यार, ना तो यहाँ पे लॉ ऑर्डर्स अच्छे हैं, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जी जी, ठीक है ना, और ना यहाँ पे करेंसी की, मतलब किसी भी चीज के अंदर जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। जी, आप अगर बिजली पावर के प्राइसेस को ले लें, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप फ्यूल प्राइसेस को ले लें, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप करेंसी के उसके देख लें उसके, तो किसी भी चीज में आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। जबकि बिजनेस हर उस मुल्क में और हर उस जगह पे ही कामयाब होता है जहाँ पे आपके लॉन ऑर्डर्स कंसिस्टेंसी से चलो, जहाँ पे आपके फ्यूल प्राइसेस कंसिस्टेंट हो, जहाँ पे आपके मनी चेंजर्स वाले के मामला
के अंदर कंस्टिट्यूएंसी, तो वहाँ पर आपका बिजनेस फ्लरिश करता है। अब हमारे जो यूथ है, जिस यूथ के ऊपर हम बड़ा तकबर करते थे, जिस यूथ को हम बार बार कोट करते थे कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास 60% यूथ है जो ब्लू कॉलर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस यूथ को हमने लगा दिया है बदतमीजी के ऊपर कि वो यूथ इतनी बदतमीज हो गई है कि ना वो हरम देखती है, ना वो खाने काबा देखती है, और ना वो ये देखती है कि मैं मदीना शरीफ देखती है और काफी उन्होंने तंग किया है, तो किसी के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे पाकिस्तान का जो इमेज जाएगा वो पूरी दुनिया में क्या जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करें कि मेरे 5 बेटे और उन 5 बेटों में से एक बंदा है कि वो घर में जो राशन आता है वो उस पर से चोरी करके अपने ससुराल में भेज देता है, दूसरा बेटा है वो कहता है नहीं यार मैं नशा करता हूँ, उसने कुछ करा वहाँ पर नशा कर लिया, तो अब मैं उन 5 बच्चों की इसलाह अपने घर में तो करूँगा, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बाहर निकल के और मेरे 5 बच्चे बाहर रोड पर निकल के एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे तो लोग उस घर के बारे में कहेंगे अरे घर है कि इसके अंदर तो घर के बच्चे ही बाहर निकल निकल के आपस में लड़ रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं। तो यही मैसेज जो है ना आज हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं कि बाहर हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, मैं उनकी कोई ब्रोकरी नहीं कर रहा ना मैं उनकी कोई वो कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ भी किया, उनका एहतसाब पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान की अदालत में सबका होना चाहिए, सर सर सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर या एक उसका नहीं होना चाहिए, खड़े होकर और यूथ से गालियां दिलवाना और ये सब करना, ये और जब आपके अपने ऊपर बात आए तो फिर आपने जो है बोल दिया कि ये तो दूध के धुले हुए हैं। चलें सर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,43,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,770 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,702.45, ऑयल WTI पर बैरल 87.08, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 93.09। दैट इज ब्लेसिंग कि हमारे पास ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल के अंदर दिखाई देते हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 228 रुपीज, सेलिंग वॉज 230.5, यूके पाउंड बाइंग रही 265 रुपीज, सेलिंग वॉज 268 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 232 रुपीज, सेलिंग वॉज 234.5, चाइनीज यन बाइंग रही 31.63, सेलिंग वॉज 31.88, सऊदी रियाल बाइंग रही 61.5, सेलिंग वॉज 62.5, यू इधर हम बाइंग एट 63 रुपीज, सेलिंग वॉज 65 रुपीज, कोई दिनार बाइंग रही 719.84, सेलिंग वॉज 724.84, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 577.62, सेलिंग वॉज 582.12। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट के पोजीशंस आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रही हैं। इट मींस कि जैसे जैसे एक प्रेशर बिल्डअप होगा यहाँ पे हमारे इंपोर्ट बिल को ऑटोमेटिकली हम कम होता हुआ देखेंगे, एंड एज पर रूल हम लोकल मार्केट में ये प्राइसेस जो है वो कम होते हुए देखेंगे। परवेज साहब भी मौजूद हैं, राशिद साहब भी आर हियर, बोथ जेंटलमैन आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एक तो तरबियत के हवाले से बात की, दूसरा अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी, ये कल्चर भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी की ज़रा थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे पास जो चैलेंजेस थे वो भी ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहे थे, बेसिक हमारे पास मजबूती थी, लेकिन अब फ्लड आने के बाद क्या सिचुएशन है? फ्लड आने से हमारी इकोनॉमी पे तो बड़ा धचका लगा है, टेंट पड़ा है, हाँ। बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि जाहिर बात है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सोच रही थी, अपनी प्लानिंग कर रही थी कि आगे हमारी इकोनॉमी को कैसे इवॉल्व करेंगे, किस तरह से राइट डायरेक्शन में डालेंगे, किस तरह से हम IMF से निगोशिएट करेंगे, और बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको सही करके और फाइन ट्यून करके वो कह रहे थे कि भाई हम उसको वापस से उसको पटरी पे लेके आए, मगर ये है कि एक आफत आई हुई है, और ये ऐसी आफत आई हुई है कि इसमें ना किसी का कोई वो किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है, तो अब ये है कि कैटास्ट्रोफी है, इसको हम लोग फेस कर रहे हैं। इसमें जाहिर बात है कि नुकसान तो होगा, इकनॉमी थोड़े टाइम के लिए इकनॉमी भी हमारी पीछे चली जाएगी, और अगर हमारे को लोकल इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं या डोनर्स हैं अगर उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मज़ीद और पीछे जैसे जाने के तरफ मैं समझता हूं कि और मज़ीद पीछे हो जाएगा, और इससे हमारी जो ज़ाहरी बात है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी अफेक्ट होगी, क्योंकि हमारी क्रॉप, हमारी जो मेजर जो कॉटन क्रॉप है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा जो कॉटन और गारमेंट का एक्सपोर्ट है वो भी हमारा अफेक्ट होगा।
तो लेट्स होप कि भाई ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आफत आई हुई है ये जल्द से जल्द हम इस पर काबू पा लें, और जो हमारे लोग जो हैं भाई पाकिस्तानी भाई जो बेचारे डिस्टर्ब हुए हैं या बेघर हुए हैं वो वापस बेचारे उनको घर मिल जाए और वो अपनी दूसरी मजदूरी पे आ जाएं ताकि वो पाकिस्तान का पहिया जो है ना वो वापस से चला सकें और हम कम अज़ कम उस पोजिशन पर आ जाएँ और फिर जो भी गवर्नमेंट आए वो आगे लेके वहाँ से चले। एग्जैक्टली, लास्ट वर्ड राशिद साहब के आने वाले दिन कैसे होंगे? बेहतर एक्सपेक्टेशन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो एक सिचुएशन है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए पॉलिटिकल इस वक्त जो गेम चल रहे हैं उनके मौजूदगी में तो पाकिस्तान का आगे कोई ज़्यादा ग्रो करना नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं नाम लेके कहूँगा क्योंकि मैं उसमें कोई नहीं, कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही इज़ अ वेरी गुड डूअर, इनका जो रिकॉर्ड है ना इन्होंने हमेशा परफॉर्म करा है। अगर आप एक ऐसे वक्त में उठाएं कि जब कराची को ओन करती थी पीपल्स पार्टी और एनपीएम, उसी ज़माने में केपीके के अंदर ओन करती थी मेरे ख्याल से पीटीआई की गवर्नमेंट, उसी ज़माने में बलूचिस्तान में जो ओन करती थी वो भी शायद वो, लेकिन उस वक्त के उन चारों को देखें और शहबाज शरीफ थे वो ओन करते थे पंजाब को, तो उन्होंने अपने टेन्योर में पंजाब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अगर अभी भी आप देखेंगे तो जो हमारे जो अर्थक्वेक आए हैं वहाँ पे बहुत सारे जो अपोजिशन के बहुत सारे लोग थे वो तो कोई एक हफ्ते बाद पहुँचे, कोई दस दिन बाद पहुँचे, लेकिन उन्होंने डे वन से इसके ऊपर स्टेप लेके, बल्कि उनके इंग्लैंड का भी टूर था उन्होंने उसको कैंसिल करा, तो डे वन से इसके ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करके दुनिया ने उनको उनके साथ भी दिया क्योंकि गुडविल उनकी अच्छी थी तो दुनिया ने उनका साथ भी दिया, बाहर से एड भी आई, बाहर से पैसा भी आया, तो उनकी जात से मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा डूअर है और उनका जो बिलीव है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे, और जिस तरह से वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और 24 घंटे लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह को भी उनकी शायद अदा पसंद आई हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ ब्लेसिंग उनके पास आ रही है कि ऑयल के प्राइसेस गिर गए, IMF ने भी पैसा दे दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं जी वो इस गवर्नमेंट को शायद IMF नहीं देगी, लेकिन आप देखें तो इनको दुबई ने भी दे दिया, IMF ने भी दे दिया, फिर कुदरत भी इनको दे रही है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो नीचे आ रही है, कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल नीचे आ रही है, तो बड़ी तेजी से अल्लाह ताला इनको वो दे रहा है, तो उम्मीद है कि देखिए आने वाले दिन बेहतर होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच राशिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। परवेज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें ज्यादातर ये कंक्लूजन होता है कि हमारे दिन बेहतर हो सकते हैं, एज अ नेशन हमें रिस्पॉन्सिबल होने की, तरबियत करने की, तमीज करने की जरूरत है, साथ साथ हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर काम करने की जरूरत है, ना कि आप सियासत में अपना वक्त जाया करें या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। दैट्स इट, इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।